हाय, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंदी हूँ और आज का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल एक बहुत कॉमन दवा है जो हेयर लॉस में यूज़ की जाती है। उसके पास USFDA अप्रूवल भी है, क्योंकि इसको 40 से 50 इयर्स हो चुके हैं मार्केट में, तो इसका एक्सटेंसिव सेफ्टी डेटा भी अवेलेबल है हमारे पास। तो आज हम समझेंगे कि मिनोक्सिडिल के फ़ायदे क्या होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट ऑफ मिनोक्सिडिल इज़ कि वो बालों की ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। जब बालों की ब्लड सप्लाई बढ़ती है मिनोक्सिडिल से, तो बालों को ज़्यादा न्यूट्रिशन, ज़्यादा आयरन, ज़्यादा हीम, ये सब मिलता है। जितना ज़्यादा बालों को न्यूट्रिशन मिलेगा, उतने हेल्दी बाल ग्रो करेंगे। तो दैट्स द फर्स्ट बेनिफिट। द सेकेंड बेनिफिट इज दैट मिनोक्सिडिल पुशेस द हेयर इनटू ग्रोथ फेज। हमारे बालों के कुछ फेजेस होते हैं, एक होता है ग्रोथ फेज और एक होता है रेस्टिंग फेज। तो समझे कि अगर एक बाल की लाइफ अबाउट 100 डेज है, तो फर्स्ट 85 टू 90 डेज वो ग्रोथ फेज में रहता है, जिसमें वो ग्रो करता है, और लास्ट 10 डेज में वो रेस्टिंग फेज में होता है, जिसके बाद वो डाई कर जाता है। मिनोक्सिडिल बालों की ग्रोथ फेज का टाइम बढ़ा देता है। तो अगर हमारे बाल 85 टू 90 डेज ग्रो कर रहे थे, तो मिनोक्सिडिल यूज़ करने के बाद वो 120-130 डेज तक ग्रो कर सकते हैं। तो यह है सेकेंड बेनिफिट मिनोक्सिडिल का। थर्ड बेनिफिट मिनोक्सिडिल का ये है कि हमारे सर में कुछ रिजर्व हेयर होते हैं, मिनोक्सिडिल इन रिजर्व बालों को भी सर्कुलेशन में पुश कर सकता है। तो ऐसा आप समझिए कि जो हमारी करेंसी होती है कंट्री की, हमेशा कुछ रिजर्व मनी होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इमरजेंसीज के लिए स्टोर में रहता है। लेकिन अगर ये रिजर्व मनी भी अगर सर्कुलेशन में आ जाए, तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे 10-15% रिजर्व हेयर हैं जो रेस्टिंग फेज में हैं, अगर उनको भी हम ग्रोथ फेज में पुश कर देंगे, तो हमारे बालों की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ मिनोक्सिडिल इज दैट इट शेड्स द हेयर विच आर वीक एंड पुशेज ऑल द ग्रोथ इन टू ग्रोथ फेज। तो उसको आप ऐसे समझिए कि दो तरह के ट्रीज होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज और डेसीडुअस ट्रीज। जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, उसमें हर रोज कुछ नए बाल उगते हैं और कुछ पुराने बाल झड़ते हैं, जबकि डेसीडुअस ट्रीज में सारे के सारे बाल एक साथ ही ग्रोथ फेज में रहते हैं। तो मिनोक्सिडिल क्या करता है, जो हमारे बाल जो एवरग्रीन ट्री की तरह बिहेव कर रहे थे, उनको डेसीडुअस ट्रीज की तरह ले आता है और सारे के सारे बालों को ग्रोथ फेज में पुश कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सारे के सारे बाल ग्रोथ फेज में हैं, तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा दिखेगी। अब रिसेंटली ये भी डिस्कवर किया गया है कि मिनोक्सिडिल बालों के जीन्स को भी बदल सकता है। तो अगर आपके जीन्स जो हेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो वीक हैं, अगर वो आपके बालों को ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो मिनोक्सिडिल इन हेयर के जीन्स को भी मॉडिफाई कर सकता है बाय एपिजेनेटिक फिनोमिना। इसका मतलब ये है कि वो आपके जीन्स को इम्प्रूव कर सकता है। और इसका इम्प्लीकेशन ये भी है कि अगर आप मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं, तो आप ही के नहीं, आपके आने वाले जनरेशन के जीन्स को भी इम्प्रूव कर सकता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मिनोक्सिडिल के कितने सारे फायदे हैं। मिनोक्सिडिल को जनरली यूज़ किया जाता है हमारे सर के बालों की हेयर ग्रोथ के लिए। ये मेन में भी हेल्प करता है और वुमेन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इसके और भी यूजेस हैं। अगर किसी के आईब्रोज पतले हैं, अगर वहाँ मिनोक्सिडिल यूज़ किया जाएगा, तो आईब्रोज की डेंसिटी भी बढ़ सकती है। अगर कुछ मेन की अगर बियर्ड की डेंसिटी कम है, मिनोक्सिडिल लगाने से बियर्ड की डेंसिटी भी इम्प्रूव हो सकती है। कुछ लोगों के नेल्स छोटे होते हैं, अगर नेल्स को अच्छी ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही, तो उनकी ग्रोथ कई बार कम होती है। तो अगर हम मिनोक्सिडिल यूज़ करेंगे, तो नेल की ग्रोथ भी तेज़ हो सकती है। तो ये है कुछ बेनिफिट्स मिनोक्सिडिल के। अगर आपके मन में कोई भी और डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें या हमारी क्लिनिक पे हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारा क्लिनिक का नंबर है 8000-4082। थैंक यू।